You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking. इस साइड पे ज़्यादा खा रहे हैं मेरा और इस साइड में कम, ये देखिए. This is me, your NDS blog, and welcome back to my YouTube channel and happy new year all of you. And ये मेरा आखिरी वीडियो है, आखिरी नहीं, ये शायद मेरा फर्स्ट वीडियो है दिस ईयर का. और आज हम लोग जा रहे हैं, मैं और सिटी ब्लॉक सेक्टर 2. और आज है संडे एंड बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बनाया, बहुत दिन से मैं बंद ही हो गया था यूट्यूब से. और फाइनली आज जा रहा हूँ, थोड़ा छोटा मोटा ब्लॉग बनाऊंगा. एक्चुअली मैं जा रहा हूँ अपना रील्स बनाने के लिए इंस्टाग्राम के लिए. एंड इंस्टाग्राम पे अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, साइट पे हैंडल आ रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी का. एंड मेरा बाइक का भी बहुत काम बाकी है, काम वाम कराने के लिए. मेरा आगे का जो टायर है उसका अलाइनमेंट ख़राब है आगे का, तो उसी की वजह से मैं थोड़ा लॉन्ग राइड वगैरह में जा नहीं पा रहा हूँ. और उसको भी ठीक कराना है एंड टायर भी बदलना है. आगे का टायर पूरा बिल्कुल ख़त्म हो गया, पूरा एक साइड टायर ज़्यादा खा रहा है राइट साइड वाला, और पीछे का तो सही है. और लीन वगैरह भी नहीं कर पा रहा हूँ. और नया टायर तभी मैं लगाऊंगा जब मेरा अलाइनमेंट का काम पूरा सही हो जाएगा. एंड अलाइनमेंट का कुछ 1500 मांग रहा है, 1500. एंड इतना महंगा है यार बाइक का अलाइनमेंट. बाइक का अलाइनमेंट तभी ख़राब होता है आप जब कई गड्ढे उड्ढे में गिरते हो या एक्सीडेंट वगैरह होता है, तभी जाके अलाइनमेंट ख़राब होता है. मेरा तो एक्सीडेंट हुआ भी नहीं. एंड गड्ढे में गिरा था 2-4 बार मेरा बाइक, 2-3 बार बड़ा बड़ा गड्ढे में. थोड़ा स्पीड था 70-60 का स्पीड, क्योंकि जब मैं चलाता हूँ हाईवे में कभी कभी गड्ढा उड्ढा आ जाता है बीच में, पता भी नहीं चलता स्पीड में. तो वैदर तो पूरा मज़ा हो रखा है, पूरा ना धूप है ना बारिश है ना बादल है, पूरा मज़ा वैदर है. ठीक है, अगर आजू बाजू में कहीं भी रहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो फोटोशूट के लिए. ये बिल्कुल बढ़िया जगह है ये फोटोशूट के लिए. हमें हम लोग दो चार एक दो फोटो खींच लेते हैं, पीछे वाला सही रहेगा. लोग चार फोटो ले लिया, आगे जाते हैं. अभी जोश आ रहा है, बहुत बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बनाया ना, इसीलिए हम व्हीली भी मार सकते हैं आज, हमारा ठीक ठिकाना नहीं है. वाह पॉपअप हो रहा है भाई, आज फर्स्ट टाइम है. एक नंबर गया, दो नंबर गया, पॉपअप. थोड़ा सा लीन कर नहीं कर पाया क्योंकि बस टायर की वजह से. पीछे का टायर तो बिल्कुल फालतू है, तो बस उसी का हम टाटा बाय बाय कहने जा रहे हैं. और इधर ही मारूंगा बर्न आउट मेरा बाइक में, इधर ही बर्न आउट होगा मेरा बाइक का. विथ ABS एंड विदाउट ABS दिखाता हूँ. अभी मेरा बाइक ABS में है, ब्रेक दबाने से भी मेरा पीछे का टायर स्केट नहीं होगा. देखिए ABS है, नहीं नहीं ABS दिखा रहा हूँ तो उसको सुनाई नहीं देगा. इधर ही बांधना मानना पड़ेगा कहीं कहीं पे आगे जाने. हाँ सब लोग उली मारा भाई, पीछे का हवा ज़्यादा है इसीलिए उली ज़्यादा मार नहीं पाया मैं. हाँ पीछे उठाऊँ क्या, पीछे का वो हवा ज़्यादा है ना, बाइक बैलेंस नहीं होगा, हवा निकालना पड़ेगा. हाँ इधर ही मारेगा. पुष्पा झुकेगा नहीं, मजा आ गया. सही है, चल. ओए मिस हो गया ये, मिस हो गया ये वाला मिस हो गया. हाँ हाँ कैसे, आधा चल गया. फिर से कर, पीछे लगाऊं क्या, तो पूरा वो हो गया तो भाई.
टायर का कंडीशन कैसा है देखा? टायर को तो कुछ भी नहीं। सुन ना ये दे, कुछ भी नहीं हुआ टायर, कुछ भी नहीं हुआ। सुन का जो टायर है ये देखिए, इस साइड में ज्यादा खा रहे हैं मेरा और इस साइड में कम। ये देखिए यहाँ में अभी भी पैटर्न है, इस साइड में पैटर्न नहीं है बिल्कुल। और बाइक का तेल डायरी हटा दिया मैंने, अभी पूरा सेक्सी बहुत मारा यहाँ पे। ये वाला जगह पूरा गड्ढा हो गया और टायर का ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। देखो टायर अभी भी बहुत अच्छा कंडीशन में है, अभी भी इतना है, इतना ये पूरा जा रहा है, इतना यही हुआ है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं टायर। फिर भी MRF का टायर है, 3600 में लिया था और आज तो हो गया, इधर बनाओ छाओ दिल हो गया। एक्चुअली ये दिल के लिए बनाया था, ये सीधी ब्लॉक है और अभी हम लोग निकल जाएंगे, निकलते हैं अभी, टाइम हो गया तो। बहुत टाइम हो गया और हम लोग का यहाँ में उइली हो गया, उइली नहीं थोड़ा उइली हो गया, थोड़ा एक स्टॉपी भी हुआ, फर्स्ट टाइम है आज। और बनाओ भी मेरा बाइक में फर्स्ट टाइम में, और यहाँ पे ये जगह सही है बिल्कुल, आप लोग भी यहाँ पे आके मार सकते हो उइली, जो करना है करो। इधर में आके रास्ता पूरा खाली है, यानी यहाँ में पहले बहुत लोगों ने किया हुआ है तो हम लोग भी यहाँ में आके किया, तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं यहाँ में, पुलिस वुलिस का चक्कर नहीं है। यहाँ पे आके हम लोग आराम से स्नान करो, जो करना है करो, इधर में आके जगह पूरा सेफ है। निकलते फाइनली अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। टायर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस ये मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का टायर चला गया, इसमें कोई बात नहीं, चेंज तो करना ही है। आगे का तो बिल्कुल है नहीं, आगे का बदलने का चक्कर में पीछे का बर्न आउट किया। लास्ट टाइम मैंने नहीं किया था, मैंने जब पीछे का जब मैंने चेंज किया था, स्टॉक वाला टायर मैच जलर का था और बाकी सब हो गया। निकलते हैं चलो। दीदी ने सीक्रेट किया, मेरा कैमरा में आ गया। दीदी आप अभी कहाँ जाओगे? आप अभी यूट्यूब में आ जाओगे? चलो कोई बात नहीं, मज़ा आया बाइक चला के। क्योंकि देखो अगर आप लोग कम सीसी का बाइक में अगर बर्नआउट वगैरह अगर करते हो तो बाइक में क्लास सिक्स में प्रॉब्लम हो जाता है, और अगर हायर सीसी बाइक जैसे कि 250 हो गया, 390, 400 में आप आराम से कर सकते हो, बाइक में आपका कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा पावर में। जैसे कि मैंने अभी भी पावर सेम है जैसे पहले था, अभी भी सेम वैसे। अगर आप मान लो 220 है, 220 में अगर करोगे तो बिल्कुल पावर घट जाता है बाइक का, एंड फिर आपको बाइक को सर्विस सेंटर में देना पड़ेगा, एंड तभी जाके आपका रियल पावर जो है वो आएगा। एंड आप लोग ट्राई मत करना कम सीसी का बाइक में, 150-200 सीसी का बाइक में अगर करना है तो हायर सीसी बाइक में करना आराम से, और वो जगह सेफ है तो ये सब स्टान वगैरह करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग तो इतना दूर आया यहाँ में। सोच रहे होंगे मैंने क्यों बर्नआउट मारा, इतना अच्छा टायर था मेरा। देखो पहला बात है MRF का टायर है, एंड ये जो टायर है बिल्कुल मेरा बाइक के साथ सूटेबल नहीं है, एंड इसमें मैं लीन वीन वगैरह मार भी नहीं सकता, एंड बिल्कुल वेट रोड के लिए नहीं है। जब भी बारिश वगैरह होता है पानी वानी मेरे चलाने के लिए बिल्कुल नहीं है। जो टायर अभी लगा हुआ है मेरा बाइक का पीछे, उसी लिए मैंने बर्नआउट मार दिया। अगर इसी जगह अगर अपोलो का 150 मिशलिन का होता तो मैं बिल्कुल मारता नहीं था, बस MRF का टायर है बोल के मैं मार दिया, क्योंकि MRF का टायर उतना अच्छा नहीं है KTM बाइक के लिए। KTM नहीं, जितना भी हाई सीसी का बाइक है 300-400 सीसी के बाइक के लिए बिल्कुल नहीं है ये आपका MRF का टायर। तो सभी को ही पता है, बहुत लोग MRF का जो टायर देता है स्टॉक वो सब खोल के बहुत लोग अच्छा अच्छा टायर लगाते हैं, क्योंकि उसको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, उसको लीन अच्छा करना होता है, तो इसीलिए। तो बस उसी चलते हुए मैं भी मार दिया, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे ये जो MRF का टायर है। गया जाने के बाद अभी आ गया अभी डायरेक्ट स्टोर में रुद्राक्ष ये, और आज का ब्लॉग हो गया हम लोगों का, एंड शायद अभी अपलोड भी हो गया। अभी बस हम लोग को लाइक ठोको और सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलते हैं ऐसे ही बूम बम वीडियो के साथ। तब तक के लिए चलो बाय।